हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज मैं इसलिए इतनी ज़्यादा तैयार हुई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मेले में जो कि होता है शिलारू में। सो इस बार मैं भी गांव आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और मेले में जाया जाए। इसलिए मैं, मान्या, प्रिया, हम तीनों जा रहे हैं मेले में। अभी तो हम कार में जाएंगे पर वापसी में मैं कोशिश करूँगी या तो हम बस में आएंगे या फिर हम पैदल आएंगे, पर मेरी 100% कोशिश रहेगी कि हम पैदल ही आए ताकि मैं आपको हमारे शिलारू की सीनिक ब्यूटी भी दिखा सकूं। पर उससे पहले जो मेरी विंडो से व्यू दिखता है, मैं आपको उसकी एक झलक दिखा देती हूँ। ये देखिए आजकल कितना ज़्यादा सुंदर मौसम हुआ है पूरे गांव में, आप देख सकते हो। ठंडी ठंडी हवा भी चलती रहती है, गर्मी तो है पर जैसे पेड़ है ना तो टेम्परेचर ठीक रहता है। सो वहाँ पर ना एक बहुत ज़्यादा सुंदर टेम्पल भी है तो मैं आपको ज़रूर वो भी दिखाऊंगी एक बार। वो ऊपर शिलारू में ही है और जो व्यू दिखता है वहाँ से, ओ माय गॉड, इट्स माइंड ब्लोइंग। सो अभी मैं उनकी कॉल का वेट कर रही हूँ, जैसे ही मुझे कॉल करेंगे फिर मैं उनके घर की तरफ निकल जाऊँगी क्योंकि वो वहीं से शिलारू की तरफ जाएंगे। सो मुझे 5 या 7 मिनट पहले यहाँ से चलना पड़ेगा ताकि मैं उन्हें मिल पाऊँ। सो अब मैं आपको सीधा उनके पास ही मिलती हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। भी निकल गई हूँ, मुझे उनका कॉल आ गया था तो फिर वो मुझे पार तक बुला रहे हैं तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। आप देख सकते हो अभी ये है रास्ता। सो चलिए फटाफट चलते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। बहुत तो क्या, मतलब ठीक है 1-2 बजे है, पर ये है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा धूप होती है। पर अच्छी बात ये है कि हम गाड़ी में जा रहे हैं तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वही हम दर्शन करेंगे, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे और फिर मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। नहीं तो ना आजकल थक जाते धूप में, साथ में मैं वाटर बॉटल भी नहीं ले जा रही हूँ। सो लेट्स गो। जब मान्या भी आने के लिए तैयार हो गई है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो मैंने उन्हें बुला दिया है क्योंकि अब मैं तो पहुंच गई उनके घर के पास, तो मैंने उन्हें बुला दिया कि जब तक अंकल तैयार होते हैं तुम तो आ जाओ ताकि हम उनका वेट कर ले साथ में, और अगर पॉसिबल हुआ तब तक तो फ़ोटोज़ भी ले लेंगे कुछ। सो चलिए अब मैं बिल्कुल पहुँच रही वाली रास्ते के पास। सो फाइनली गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ उनके गाँव और प्रिया भी आ गई है। हेलो प्रिया। हेलो सहरी जी, कैसी है? ठीक हूँ, आप बताओ। तो मान्या आ रही है अब? हाँ आ रही है, अभी तैयार हूँ। सुंदर लग रही है? आप तो लगी नहीं, आपको तो बताने की जरूरत नहीं, सच है। और ये अंकल है, हम इनके साथ जा रहे हैं, छोड़ेंगे हमें। और ये है नीचे टिल्लू, प्रिया के घर के सामने से ये ऐसा व्यू दिखता है। और यहाँ पे ना मैचेस होते हैं, मतलब गाँव के लड़के जब खेलने आते हैं। ये मैं दो, मेरे बैग से दे दो स्कूल वाले। नमस्ते मासी। तो फाइनली अब हम सब गाड़ी में उतर गए और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। सो ये है हमारे गांव में हॉकी स्टेडियम और ये एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम है। यहाँ पे ना मैचेस भी होते हैं शाम को। सो हमारे साथ नन्नू दीदी भी है, प्रिया है और मान्या है। अभी आपको अच्छी तरह से नहीं दिखा पा रही हूँ, थोड़ा आगे जाके दिखाती हूँ।
सो गाइस हमने ये मेले में एंट्री कर ली है, अभी देखते हैं आगे की तरफ क्या है। और ये ऊपर हमें झूले भी दिख रहे हैं, सो हम वहाँ पर भी जाएंगे। सो दिस इज़ द मेन गेट और यहाँ से ही हम सब एंट्री लेंगे। और आप देख सकते हैं ऊपर कितने सारे लोग बैठे हैं। यहाँ पर बाकी सारे स्टॉल्स भी हैं और वहाँ पर हो रहा है ठोडा, जो कि एक तरह का खेल है। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं और अभी हम बैठे हैं। फाइनली हमें एक अच्छी सी जगह मिल गई है, पर हमें दिख कुछ नहीं रहा है, थोड़ी देर में हम आगे जाएंगे। मेरे साथ है मान्या दीदी, हाय करो दीदी, और प्रिया। सो अभी हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, आगे थोड़ी देर में ना थोड़ी देर में हम आगे जाएंगे ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे है झूले, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे झूले खेल सकते जाने का, पर वो कैंसिल हो गया, तो हम थोड़ी देर में मंदिर जाएंगे और उसके बाद वहीं से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। अभी देखते हैं, थोड़ी देर में आइसक्रीम खाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये आगे और हम क्या कर रहे हैं वो बता दूँ, लोगों की चुगलियाँ बनिया था, ऐसे ही देख रहे लोगों को किसने क्या पहना है, किसने कौन सा पहना है। और ये हमारे सामने पेड़ है, नहीं बता दो यार, आप सच्चाई बताओ ना, अगर हम आगे से कोई लोग आ रहे हैं जैसे कि दिखाते हैं नहीं, आंटी आ रही है आप भी करते होंगे। सो गाइस अब हम ऊपर से आ गए मेले से और हमने कुछ भी नहीं लिया, बस वो देखा थोड़ा, और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। सॉरी आगे सो यहाँ से वो टेंपल ऊपर की तरफ, सो चलिए चलते। सुप्रिया तू गई कभी पहले? फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। गई तो हूँ, मम्मी ने कहा था कि बचपन में गए थे हम लोग एक बार, तुझे याद नहीं है कि कब गए थे। सो ये अच्छा मौका है जाने का, पर इतना अच्छा मंदिर है ना, ऊपर पेड़ है और ज़्यादा धूप भी नहीं लगती क्योंकि जंगल वाला एरिया है। सो अभी यहाँ से, और सबसे बड़ी बात है मेटल रोड है पूरा मंदिर तक के लिए, तो चलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वहाँ पीछे हो रहा है मेला, सो ये देखो अब पूरा मेटल रास्ता है। ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मंदिर भी बिल्कुल पास है, अब हम बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं मंदिर के पास भी, बस थोड़ा सा बच गए हैं।
फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं मंदिर जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। ये है वो टेंपल, आइए आगे की तरफ भी चलते हैं। और पूरा जंगलों के बीच है, दो तीन टेंपल है यहाँ पर। सो चलिए, सो ये है हमारा सबसे पहला मंदिर, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। सब इस मंदिर में भी जाते हैं। सो यहाँ पे एक और मंदिर भी है, यहाँ पे भी हम मत्था टेक लेते हैं। मैं आपको सामने से व्यू दिखा रही हूँ जो कि मैं जिसको देखने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो इतना माइंड ब्लोइंग व्यू है ना। एक मिनट मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखो पूरी वैली हमें सामने दिखती है। सो फाइनली अब हम आगे मंदिर से दर्शन करके वापस, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर उससे पहले हम प्रिया से पूछते कि इसे कैसा लगा मंदिर में आकर। मुझे मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा, मुझे ये नहीं पता था कि तीन मंदिर होंगे। तो मुझे ये पता था कि एक मंदिर होगा, जैसे और जगह पे मंदिर होते हैं। तो यहाँ पर तीन मंदिर थे और तीनों मंदिर में हम लोग गए, और उसके बाद जो तीसरा मंदिर था वहाँ से जो व्यू था ना वो देखने लायक था, बहुत ही अच्छा व्यू था। सो बहुत अच्छा लगा। अब हम भी जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। शायद हम पैदल जाएंगे कि जैसा मैंने बोला था आपको, वैसे तो क्या पता अब क्योंकि टाइम हो गया है ना, क्या पता गाड़ी में अगर किसी की लिफ्ट मिल जाती है तो गाड़ी में जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे। बाकी देखते हैं क्या बनता है। सो हमने ये सामान ले लिया है अभी, क्योंकि अब हम पैदल ही जा रहे हैं एज़ प्रॉमिस, और हम रास्ते में अच्छे से जगह पर ढूँढ के हम वहाँ छोटा सा पिकनिक भी करेंगे। सो चलिए अभी नीचे की तरफ चलते हैं। अपनी बैटरी के बारे में बता दो कि आप ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाओ। और गाइज ये गए पास सिर्फ 10% बैटरी बची, आई होप मैं कुछ ना कुछ तो शूट कर पाऊँ। इतना हम पैदल भी जा रहे हैं, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश पूरी कोशिश करूँगी। लेट्स सी जो भी बनता है। और सामने ये है हॉकी स्टेडियम। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नर्सरी के पास, एंड काफ़ी रास्ता हमने कवर कर लिया है पैदल आने वाला, पैदल जिसमें हम लोग आए। सो गाइस ये है यहाँ पे नर्सरी, इतनी सुंदर है ना, एक बार आपको दिखा देते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें उगी है, वहाँ पे पॉली हाउस भी है। सो इट्स वेरी गुड, भी नहीं करती पेशी को। हाँ बताऊँगी। और यहाँ पर देखना छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाए हम, बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं। सो ये है वो नर्सरी, ये शायद गवर्नमेंट की है ना। तो ये है इसका फ्रंट गेट, और इसमें अंदर यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज़ भी है। सो अब हमने जो ये खाने का सामान लाया है, हम एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ रहे हैं ताकि हम इसे खा पाए। और अब टाइम भी होने वाला है क्योंकि सनसेट भी हो रहा है सामने। सो जल्दी जल्दी घर चलते हैं। लोग थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आए जितनी हमारे बस में थी खाने की, तो हम ये लीज लेकर आए, कुरकुरा लेकर आए, एंड पंजाबी तड़का मेरा फेवरेट, और चोकोपाई, एक और चोकोपाई है जैम से, वो हमने रास्ते में खा लिए, एंड ये भी हमने थोड़ा पी लिया है और पीते हैं। एंड सेहत दीदी को बुला रही हूँ जल्दी, और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है अब। Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young.
she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और अब मेरे फ़ोन में ना बैटरी नहीं है तो मैं अपना व्लॉग ज़्यादा कुछ आगे एक्सटेंड नहीं कर पाऊँगी. वैसे तो मैंने करना था बट अब मुझे जल्दी से जल्दी व्लॉग एंड करना पड़ेगा. आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. एंड मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो मैंने आपको ऊपर मेला दिखाया क्या वो आपके गांव में भी होता है या फिर कभी आपने पहले देखा है. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. थैंक यू एंड बाय बाय.